हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले में बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हजरत अय्यूब बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। वो अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज हो जाता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तहान जरूर लेता है। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दबकर उनकी सारी औलादों की मौत हो गई। माल और दौलत सब खत्म हो गया और वह एक ऐसी बीमारी के शिकार हो गए जिससे उनका बदन का गोश्त गलने लगा, चेहरे पर फोड़ फुंसी होने लगे, जिन पर कीड़े पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वाले ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, वो उनकी हालत ख़राब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले वाले के लोग उन्हें यह कहते कि ज़रूर आपने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज है और अल्लाह ने आपकी यह हालत कर दी। लोग यह कहने लगे कि यह कोई नबी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें यह तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़ हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता था। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ देते थे। कबीले के लोग, यह लग रहा था कि इनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, लिहाजा लोग ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। उस वक्त आप यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, लिहाजा वहाँ के लोगों ने उन्हें कपड़े में लपेट कर एक लाठी के साथ कचरे के ढेर पर यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा और उनकी बीवी ने उस जगह पर भी ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की जरूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतजाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की कि हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह तुम रहम करने वाला है, अपने बंदों पर रहम फरमा। बस इतना कहना ही के बाद आसमान से एक आवाज़ आई कि अय्यूब अपने पांव जमीन पर मारो, वहां से एक चश्मा यानी पानी का फुवारा निकलेगा, उस फुवारे में पानी अपने जिस्म पर डाल देना। ऐसा सुनते ही आप यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पैर जमीन पर मारा और उसी वक्त वहां से एक पानी का फुवारा निकल पड़ा। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पर डाला उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए और आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और आप फिर से जवान हो गए। सुबहान अल्लाह, उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आसमान से सोना भी बरसाया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से वापस से जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी फिर से माल और दौलत से खुशहाली हो गई और अल्लाह ने आप दोनों को 23 बेटा और 27 बेटियां से नवाजा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हो तब आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तहान को याद रखना, जिन्हें इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा।